मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम जो बताने जा रहे हैं कि हमारी लगभग 7 दिन पिछले 7 दिन से हमारी क्लास नहीं चल पा रही थी। परफेक्ट डेट तो याद नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं 7 दिन तो हो ही गया होगा। इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले कारण हमारा भैया कि कोरोना काल में हम फीवर लग रहा था, उस फीवर में हम ये नहीं कहते हैं कि हम पॉजिटिव थे, 100% श्योर थे कि हम पॉजिटिव से कोसों दूर थे। भगवान और आप लोग के दया दृष्टि रहा तो दूर भी रहेंगे, लेकिन बता रहे भैया कि बुखार था, खांसी नहीं था, सर्दी था, ये दो चीज़ था। तो अंदर से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता था कि है, टेंशन भी था, प्रेशर भी था। हम अकेले रह रहे थे इस समय और मम्मी पापा सब तो गाँव पे हैं, तो घर पे भी नहीं बोल पा रहे थे खुल के कि हमारे साथ ऐसी परेशानी है। बस घर से भी प्रेशर था कि घर पे आ जाए, तो हम सोच रहे थे यदि इस स्थिति में चले गए घर तो भैया परेशानी बढ़ जाएगी, हमारी परेशानी। ऐसा तो एकदम कोई कोई चांस नहीं था कि हम थे, लेकिन अंदर से एक डर था। तो इसी वजह से थोड़ा रेस्ट में थे। आज से हमारी क्लास, आज कौन सा दिन है, संडे, संडे सर 25 तारीख संडे के दिन से आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस शाम से क्लास हम स्टार्ट करें 7:00 बजे और फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो हम फीवर में जो हम थे कोरोना काल के बीच में, हम जो प्रतिदिन ले रहे भैया, वो हम विटामिन सी के टैबलेट आता है, विटामिन सी लिया कीजिए। जो हम लिए हैं गर्म पानी से स्टीम करते हुए, भाप होता है, भाप में लीजिए। हल्दी और नमक डाल के आप भाप लीजिए। ये हमें पता नहीं है कि कितना परसेंट कारगर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें बहुत कारगर होगा। यदि आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो कीजिए, यदि आपको लगता है कि ना भाई ऐसा बकवास है तो भैया सीरियस मत लीजिएगा हमारी बात को, ये आपकी इच्छा पे है। जो हम लिए हैं, जो हम बता रहे हैं और हम क्या खाए थे हैं, हम अपना कोरोना काल की रूटीन बता रहे हैं भैया कि सबसे पहले तो आप प्याज काटिए, सिंधा नमक होता है तो सिंधा नमक लगा लीजिए, और या तो नमक वगैरह नमक लगा के आप खा लीजिए। बारीकी काट के आधा प्याज यानी मीडियम प्याज के साइज का, छोटा सा प्याज का खा लीजिए। यदि बड़ा प्याज है तो इसी हिसाब से काट पीट के खा लीजिए। खाने के बाद 10 मिनट तक पानी मत पीजिएगा। पढ़ाई लिखाई होते रहेगी भैया, आगे भी पढ़ लेंगे, पीछे भी पढ़ लेगा, सब आदमी कर लेगा, लेकिन बचेंगे, बचाए बचे भी रहिएगा तो ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और फिर चलते हैं, बढ़ते हैं। आज से उम्मीद करते होंगे भैया आप लोग कि शाम 7 बजे जरूर आ रहे होंगे। आज हमारी क्लास चलेगी और जो हमारी क्लास चल रहा था लाभानी का, लाभानी से ही हम शुरू करेंगे। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।